कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था, 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के छोटे बेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत जैसा बिनागुंडा कल्पर इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मॉल संगठन की नॉर्थ बस्तर डिवीजन उस इलाके में आमतौर पर मार डिवीजन का भी कैडर्स का उपस्थिति मिलते हैं। इन सब आसूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। डीआरजी कांकेर एवं बीएसएफ का एक संयुक्त अभियान थे और अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक डीवीसी शंकर, दूसरा डीवीसी ललिता का भी पता चल रहा। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेगा। हमेशा सीपीएम मोदी संगठन द्वारा चुनाव का बॉयकॉट करते हैं और चुनाव के दौरान किसी हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने को उनके साजिश रहते हैं। इसे देखते हुए पूर्व में भी 2023 विधानसभा इलेक्शन में भी हमने काफी कुछ एक प्रभावी रूप से जो व्यवस्था करके रखा था उससे मोदी द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाए थे और इस साल में भी उनके जो भी साजिश रहेगा उसको विफल करने के उद्देश्य से हमारे पास जो रिसोर्स है उसी को लेकर हम लोग लगातार होमवर्क कर लिया है और उम्मीद है मतलब दोनों बस्तर का जो 19 तारीख का इलेक्शन और कांकेर लोकसभा का 26 का इलेक्शन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट होगा।